हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स टैलेंट। सत श्री अकाल, मैं हूँ पिंकी और आज हम लोग चलने वाले हैं पूर्णागिरी माता रानी के मंदिर। हम जा रहे हैं बरेली से पूर्णागिरी बाय कार विथ माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी कि सास ससुर एंड हस्बैंड एंड मैं। हम चार जने जा रहे हैं कार से और हमें बाय कार लगभग 3.5 से 4 घंटे लग गए थे। हम लोग शाम को निकले थे और रात तक वहाँ पे पहुँच गए थे। ये बरेली एयरपोर्ट वाला रास्ता है। आपको एड्रेस चाहिए वो आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी अगर आप बरेली टू पूर्णागिरी जा रहे हैं तो। सो 4 से 5 घंटे के बाद हम लोग पूर्णागिरी पहुँच चुके हैं और यहाँ थी पार्किंग एरिया। इसके बाद हम लोग गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर तक आपको गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी रेंट पे, लेकिन वो आपको मॉर्निंग के टाइम मिलेगी 5 बजे से, रात को आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप रात को जा रहे हैं तो ये भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम जा रहे हो तो आप रेंट पे ले सकते हो गाड़ी, वरना आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। फुल ऊपर 19 किलोमीटर था। हम लोग ऑलमोस्ट 9-9:30 बजे पहुंच चुके थे और हम लोग मॉर्निंग के 5 बजे तक वेट नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना चला ही जाए, बिकॉज तब तक हमारा चलना भी कंप्लीट हो जाएगा और टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि हमें 7 पहाड़ ऊपर तक जाना था। वहाँ पे ही देवी माँ का मंदिर है। हम लोग ने यहाँ पे मार्च के टाइम ट्रैवल किया था तो काफ़ी ठंड का समय था उस टाइम। तो अगर आप विंटर सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुद को कवर करके आ रहे हो गर्म कपड़ों के साथ, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत ठंड लगने वाली है। अराउंड 10:30 बजे रात को हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था और हमें पता नहीं था, स्पेशली मैं तो पहली बार गई थी तो मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है ऊपर मंदिर तक पहुंचने में। अगर हम लोग रास्ते में किसी से पूछ रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे बस थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा आगे है, लेकिन चलते चलते काफ़ी हिम्मत टूट रही थी, काफ़ी थक गए थे हम लोग। और बीच बीच में हम लोग रेस्ट भी कर रहे थे यहीं पे जहाँ पे ट्रीज़ पत्थर बने हुए हैं, ये देखिए मेरे हस्बैंड। जैसे जैसे रात के 12-1 हुए, यहाँ पे शॉप्स कम होने लगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे सीढ़ियाँ चालू हुई। ये रास्ता शॉर्टकट वाला भी है तो आप यहाँ से जा सकते हो सीढ़ियों से, या फिर दूसरा रास्ता है थोड़ा सा लॉन्ग कट है जिसमें आपको 1-2 घंटा ज़्यादा लगेगा। बात वही पड़ जाएगी, आप टायर्ड तो दोनों में ही हो जाओगे क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड ऑल्सो जो सीधा रास्ता है उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो दोनों में ही आप थक जाओगे। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर कि मेरी तरह आप स्लिपर्स या चप्पल पहन के नहीं आ रहे हो, आप शूज़ पहन के आ रहे हो ताकि आपको चलने में ईजी हो, आसानी हो। देखो वैसे तो ऐसी प्लेसेस पे अगर आपको ऊपर वाला बुलाता है तो ही आप आ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से या अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हो जब तक आपको ऊपर वाला वहाँ पे ना बुला ले। लेकिन जब भी आप थक जाओ जय माता दी बोलते बोलते चलते जाओ, थोड़ा रेस्ट करते जाओ। यहाँ पे एक चेतावनी लिखी हुई थी कि आगे चट्टान या पत्थर गिर सकते हैं तो सावधान रहें, देख कर चलें। फाइनली हम लोग 3 से 4 किलोमीटर आगे आ चुके थे। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4-5 बज चुके थे और यहाँ पे आप दूसरी पार्किंग देख रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मॉर्निंग के टाइम मिल जाएगी गाड़ी, तो वहाँ नीचे से लेके यहाँ तक आपको गाड़ी की सुविधा मिल जाएगी और इसके आगे आपको पैदल ही करना है, इसके आगे आपको कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं रहेगी। यहाँ पे आप नहा सकते हो या रेस्ट कर सकते हो जिसके आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। अगर आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, पैरों में दर्द है या फिर स्पेशली अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई भी शारीरिक तकलीफ़ है तो आप अपने रिस्क पर आएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्टर्स, मेडिसिन ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है या हो सकती है आपको पता होगा तो आप अपने साथ अपनी दवाइयाँ कैरी ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हेल्प यहाँ पे कोई नहीं करेगा, बिकॉज़ कोई भी आपको खाना खिला सकता है या पानी पिला सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी के पास दवाइयाँ या दवाई की शॉप अवेलेबल नहीं है।
सो मेडिसिंस अपने साथ ज़रूर कैरी करें। उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी, अराउंड 5:30 हो रहे थे मॉर्निंग के, और हम लोगों ने चाय पीने का सोचा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय और मैगी ऑर्डर की थी। मैगी की प्राइस 70 रुपीज़ थी, लेकिन टेस्ट इतना ख़राब था, पूरा जला हुआ टेस्ट आ रहा था। मैगी में गरम मसाला डला हुआ था एंड ऑल्सो उसमें मटर डले हुए थे, जिसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी एंड ऑल्सो जली हुई स्मेल आ रही थी। और मिर्ची तो इतनी थी कि वो ज़िंदा किसी को जलाने के लिए काफ़ी थी। ओके, सो चाय पीने के बाद हम लोगों ने फिर से अपनी यात्रा कंटिन्यू किया। हम लोगों ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। हम लोग 10:30 से चल रहे थे, मॉर्निंग के 5:30 हो चुके थे, और हम लोगों ने ओनली 1/4 जो हमारा रास्ता था वो क्रॉस किया था, 3/4 हमारा पेंडिंग था। टोटल 19 किलोमीटर था, जिसमें से हम लोगों ने 3 से 4 किलोमीटर ही कवर किया था। और हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि पैर, कमर, बॉडी पूरे दुख रहे थे। मैंने तो पेन किलर ली थी। मैंने इसीलिए सबको सजेस्ट किया कि आप आ रहे हो तो अपने रिस्क पे आओ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है सोच समझ के आओ। वैसे तो जिसको माता रानी बुलाना चाहती है वो आके रहेंगे, लेकिन स्टिल प्रिकॉशंस के साथ आओ। कोई तकलीफ़ है, अपनी मेडिसिंस, अपनी ज़रूरत के सामान साथ लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की दवाइयों से रिलेटेड। तो मैं तो पेन किलर अपनी कैरी कर लेती हूँ हमेशा, और मैंने यहाँ पे 3 पेन किलर पूरी रात में खाई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे चल पाई थी, क्योंकि पर्सनली मुझे इतना चलने की हैबिट नहीं है। और एक रात में मैंने 32,000 स्टेप्स क्रॉस कर लिए थे, जो कि आज तक मैंने कभी नहीं किए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे पूजा की सामग्री के शॉप्स थे, यहाँ पे स्कार्फ मिल रहे थे, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम, तो यहाँ पे स्कार्फ, जैकेट मिल रहे थे। ऑल्सो प्रसाद एंड पूजा की या फिर मंदिर की हर एक सामग्री मिल रही थी, माता रानी से रिलेटेड प्रसाद, उनकी फ़ोटो, ये सब, माता की जो चुनरी होती है, वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। हर शॉप के प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम थे, कोई भी डिस्काउंट आपको यहाँ पे नहीं देने वाला है। यहाँ पे जो रेस्ट करने की प्लेसेस थी, उन्हीं ने अपने शॉप्स ओपन किए हुए थे बाहर, और वो लोग काफ़ी डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं जब आप उनसे डिस्काउंट की बात करते हो तो, बिकॉज़ यू नो देवर लाइक कि हमने आपको प्रोवाइड किया है फ्री सेवा, जो कि आप रेस्ट कर सकते हो या नहा सकते हो, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू एज अ सेवा, तो आप हमसे ही लो, ये वो लोग फोर्स करते हैं और डिस्काउंट आपको बिल्कुल नहीं देते। आई थिंक अगर आप सेवा कर रहे हो तो उसको जताना नहीं चाहिए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एंड यू कैन चार्ज अस, अगर आपको अफोर्ड नहीं हो पा रहा है आप यहाँ की संगत को चार्ज कर सकते हो, लेकिन मिसबिहेव करना बहुत गलत बात है, वरना आप उसको सेवा का नाम मत दे। हम लोगों ने अपना सामान, बैग्स, लगेज यहीं पे रखवा दिया था। आपको एक कूपन मिल जाएगा, वो आपको संभाल के रखना है, तो आप अपनी बैग या पर्स या जो भी लगेज आप कैरी कर रहे हो वो आप यहाँ पे जमा करवा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल्स और थोड़ा सा कैश अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपको पानी की बॉटल रखनी है या फिर अपनी दवाइयाँ साथ रखनी है तो वो भी कंपलसरी रखें, क्योंकि ऊपर तक आपको कोई भी दवाई की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे हो हमें वहाँ ऊपर तक जाना है, और हम लोग फाइनली मेन प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके थे, जहाँ से 3,000 स्टेप्स चालू होते हैं। यस, 3,000 स्टेप्स, जब मैंने सुना आई वॉज लाइक वॉट 3,000 स्टेप्स, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पूरी रात वॉकिंग करके आए थे और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और 3,000 स्टेप्स चढ़ने की, लेकिन धीरे धीरे माता रानी ने सब स्टेप्स कंप्लीट करवाए। और यहाँ पे फ्लावर्स, माता रानी की पूजा की हर एक सामग्री मिल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स थे यहाँ पे। धीरे धीरे रुक रुक के, बैठ बैठ के हम लोग तो जा रहे थे। यहाँ की जो स्टेप्स थी वो काफ़ी ऊंची थी, तो चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। देखो फ्रेंड्स, हर मंदिर की या हर प्लेस की एक अनोखी स्टोरी होती है। इस मंदिर की भी एक अपनी ही स्टोरी है, जो कि मुझे भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके पता चली, मुझे पहले पता नहीं था। एक दिन जब शिव जी मेडिटेशन में बैठे हुए थे, तब सती माता के, देवी सती के जो पिता थे,
उन्होंने हवन रखवाया था, लेकिन उन्होंने शिव जी एंड देवी सती को इनवाइट नहीं किया था ताकि उनको बुरा लगे और इंसल्टेड फील हो बिकॉज वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। देन सती माता अपने घर जाती है और अपने पिता से वो पूछती है, बात करती है, तब भी वो शिव जी के बारे में बुरा बोलते हैं और इंसल्टेड यू नो वर्ड्स निकालते हैं। तब सती माता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसी हवन कुंड में खुद को समर्पण करती हैं, उसी हवन में खुद को त्याग देती हैं। और जब ये बात शिव जी को पता चलती है वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। यू नो देवी सती का शव अपने हाथों में लेके बहुत रोने लगते हैं। और ये जब सारे देवी देवता उनको देखते हैं कि शिव जी तो एकदम मोह में डूबते जा रहे हैं और वो माता सती के यू नो मोह से निकल नहीं पा रहे हैं, तब विष्णु भगवान जी ने अपने चक्र से माता सती के उन पे वार किया और उनकी बॉडी के 108 टुकड़े कर दिए जो कि धरती के अलग अलग हिस्सों में जाके गिरे थे। और जहाँ जहाँ ये हिस्से गिरे वहीं पे मंदिर बन गए। और पूर्णागिरि के इस मंदिर में सती माता के नाभि का हिस्सा आके गिरा था, इसीलिए यहाँ पे माता रानी का मंदिर बन गया है। और ये माना जाता है इस मंदिर में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। सो फाइनली हम लोग सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पे पहुंच चुके थे जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन था, मतलब मेन जो मंदिर था 7th पहाड़ पे ऊपर एकदम। तो यहाँ पे हमें हमारे जो जूते चप्पल है वो जमा करवाने थे, जो आपको 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और उसके बदले आपको कूपन मिलेगा। उसके बाद आपकी ये मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स चालू होती है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके बाद जो ऊपर का व्यू था वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, एकदम ऊंचा पहाड़ से पूरा व्यू हमें दिख रहा था। और नीचे जो नदी थी वो थी शारदा नदी, वो भी दिख रही थी। और मॉर्निंग का टाइम था तो हम लोगों ने सनराइज़ भी देखा जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। और काफ़ी ठंडी हवा चालू थी क्योंकि विंटर सीज़न था उस टाइम। यहाँ पे साल में एक बार मेला लगता है और हम लोग उसी टाइम आए थे, हमें पता नहीं था, वरना मैं उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ सिस्टम बना नहीं हुआ है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज पीपल है तो यहाँ पे कोई किसी का ध्यान नहीं देता है, सब एक दूसरे को धक्का मार के, पैर के ऊपर पैर मार के, या कुछ भी लग रहा है, किसी को कोई भी परवाह नहीं है। तो यू नो सिस्टम नहीं है यहाँ पे मेन कि लेडीज़ की लाइन अलग होनी चाहिए, जेंट्स की अलग होनी चाहिए। अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, बस ऐसे है कि रेस है, सबको आगे निकलना है। तो आई थिंक वो सिस्टम बनना चाहिए क्योंकि माता रानी या कोई भी भगवान आपको ये नहीं बोलता है किसी और को तकलीफ़ पहुँचा के आप मेरे दर्शन करने आओ। फाइनली पूरी रात चलने के बाद इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। आप देख सकते हो हमें यहाँ ऊपर जाना था, दर्शन करने के बाद यहीं से हमारा नीचे का रास्ता था जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे शूट अलाउड नहीं था बिकॉज मेले का टाइम था, बहुत ज़्यादा रश थी। तो उन लोगों ने 10,000 फाइन लगाया था अगर कोई शूट कर रहा है तो मैं वहाँ पे शूट तो नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप उस टाइम आ रहे हो जिस टाइम यहाँ पे मेला नहीं लगा होता है तो आप यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हो, बैठ के दर्शन कर सकते हो, व्लॉग कर सकते हो, फ़ोटो निकाल सकते हो। पूरी रात चलने के बाद हमें एक मिनट के लिए भी दर्शन नहीं मिला बिकॉज वहाँ के जो सेवादारी थे वो सबको धक्का दे के यू नो जाने के लिए बोल रहे थे। तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल सिस्टमेटिकली नहीं है। अगर जिस टाइम वहाँ पे मेला लगा हुआ है या भीड़ है तो सिस्टम बनाना चाहिए। माता रानी ऐसे नहीं बोल रही है कि उनके भक्त को यू नो ऐसे बिहेव किया जाए, दिस इज़ रॉन्ग।
देन फाइनली हमें नीचे उतरने में लगभग 4 घंटे लग गए थे और हम लोगों ने आधा रास्ता कार की सुविधा भी ली थी एंड वी आर गोइंग नेपाल बॉर्डर। ये है शारदा नदी जो कि आप देख रहे हो। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे नेपाल बॉर्डर और वहाँ पे भी एक बाबा जी के मंदिर है। माना जाता है इस मंदिर के बाद उस मंदिर में जाना कंपलसरी होता है। तो नेपाल बॉर्डर का व्लॉग मैं आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। मिलते हैं न्यू वीडियो।